Good morning. So, okay. ओके चलो तो यहाँ पे हम लोग अभी ये देख रहे हैं का एनसीईआरटी वाला चैप्टर ओके इलेवेंथ के अंदर जो फर्स्ट यूनिट क्या फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वो एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी के जो लैंग्वेज है उसको समझने वाले हैं हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नीट के लिए कुछ प्रिपेयर करना है आपको तो वो एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. और बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है एनसीईआरटी पढ़ने में कुछ दिक्कत आएगी या कुछ समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग ने क्या किया हुआ है जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर होता है वो बोर्ड लेवल का हो जाता है, बोर्ड की बुक को हम लोग समझते हैं. और अभी वाला जो सेकेंड लेक्चर होता है वो इलेवेंथ की एनसीईआरटी के अंदर का फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से डाइवर्सिटी के पहले से हम लोग ने टॉपिक पढ़ लिया था. डाइवर्सिटी के पहले जो भी चैप्टर था हमारा वो हमने एनसीईआरटी के लैंग्वेज का कम्प्लीटली समझ लिया था. अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर जो डाइवर्सिटी वाले पॉइंट से जो दिया हुआ है वो वाली बातें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे. तो मैं आपको थोड़ी चीजें रिवाइज करवा दूँ इससे पहले हम एनसीईआरटी देखें यहाँ पे स्टार्ट करें रीड करना. उससे पहले मैं आपको कुछ याद करवा दूँ कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग ने एक साइंटिस्ट पढ़ा था. साइंटिस्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनका इम्पोर्टेंस, उन्होंने जो वर्क किया था उनके ऊपर उनका इम्पोर्टेंस देखा था. और वो था अर्नस्ट मेयर, जो स्पीसीज के ऊपर जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. राइट, सो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अभी, उसके अंदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्लासिफिकेशन ये वाली बातें आती ही है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम लोग ने कैसे क्लासीफाई किया हुआ है वो चीज भी आती है. उसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना होता है नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया जाएगा. साइंटिफिक नेम जब भी हम लोग देंगे जिसको बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस वन पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. साइंटिफिक नेम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज. जैसे हम हमारे ह्यूमन के बारे में बात करें है ना, तो होमो सेपियंस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस. तो यहाँ पे तुमने जो होमो वर्ड यूज किया हुआ है वो जीनस है. मतलब हम लोग अगर बात करें हमारी तो होमो ये क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा. सेपियंस क्या हो गया, सेपियंस इज स्पीसीज. सो होमो सेपियंस ये किसका साइंटिफिक नेम हो गया, होमो सेपियंस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन. आ रही है बातें समझ में आपको. तो जब भी फर्स्ट वर्ड यूज होगा होमो, जिसको बोलते हैं हम जीनस नेम, एंड सेकेंड वर्ड सेपियन. हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसलिए. कोई दूसरा शू फ्लावर के बारे में बात करते हो आप, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस. तो हिबिस्कस ये जीनस नेम हो गया, रोजा सिनेंसिस ये स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज नेम हो गया. तो हिबिस्कस स्टार्ट होता है एच से, हिबिस्कस एच से स्टार्ट होगा. राइट, क्या बोला जाएगा इसको, हिबिस्कस. तो ये जो एच होगा ये जीनस है. तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल लेटर रोजा सिनेंसिस, जिसमें जो ये जो हो गया ये सेकेंड वर्ड जो हो गया वो हो जाएगा स्पीसीज नेम. तो आर क्या हो गया, आर जो होगा स्पीसीज नेम स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, जीनस नेम स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से. क्लियर हो रही है क्या बातें आप लोग को. हाँ, तो ये वाली चीजें क्या हो गया ना कि साइंटिफिक नेम विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज. वन इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज. तो ये सारी चीजें हम लोग को बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ने में आती है. इसके साथ साथ जो भी डाइवर्सिटी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन,
जो जूलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो सिर्फ एनिमल के ऊपर वर्क करेंगे, बॉटनिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर वर्क करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग एनसीईआरटी रीड करते जाएंगे, हमको उनके बारे में पता चलता जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को पढ़ने में आएंगे। ओके, आई बात समझ में? सो लेट्स स्टार्ट विद आर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। एंड एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है हम लोग करने का वो है 1.2। हाय ऐश्वर्या, हेलो स्वामिनी। ओके, ये 11th का लेक्चर चल रहा है, 12th वालों का इसके बाद है लेक्चर, वो भी बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज जो एनसीईआरटी के अंदर जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर का जो सेकंड पॉइंट है, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा टॉपिक हमारा चलने वाला है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे सबको सब कुछ? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन एंड टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि भिन्नता, अगर हिंदी में बात करते हो तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। इफ यू लुक अराउंड यू, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बी इट पोटेट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट और अदर एनिमल एंड प्लांट्स, जितना आपको आसपास दिखता है वो सब कुछ। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्पीसीज की, बट दे आर ऑल अराउंड यू। अभी भी आपके आसपास कितने सारे बैक्टीरियल और वायरल स्पीसीज होंगे, राइट, जिसको आप देख नहीं सकते हो। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेट नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। सिंपल सा कहने का मतलब, जहां पे जैसे जाओगे वैसे आप लोग को उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, मतलब जहां जाओगे उस हिसाब से आप लोग को ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। ओके, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। कितना सारा डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होगा, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, जो हमें पता है, एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million। ये आपको याद रखना है रेशियो। जो स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं, हमारे हमारी जो नोन स्पीसीज है, मतलब एनवायरमेंट के अंदर टोटल बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो स्पीसीज नोन है, वैसे कितनी नोन स्पीसीज को हम लोग जानते हैं, 1.7 to 1.8 million डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है बायोडाइवर्सिटी के अंदर या इकोलॉजी के अंदर। सोचो, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। सो इतनी 1.7 to 1.8 million स्पीसीज हमारे बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट है। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है वो है 1.7 to 1.8 million। We should remember here that as we explore new area and even or old one, new organisms are continuously being identified. जहाँ जहाँ जैसे जैसे नए नई जगह पे जाते जाओगे, हो सकता है कि आपको नई नई स्पीसीज मिलती जाए। हर मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ नई स्पीसीज इसमें ऐड होती जाएगी। क्या हम लोग को क्या पहले से इतनी 1.7 to 1.8 million स्पीसीज पता होगी? क्या नहीं, पहले कुछ स्पीसीज 1,000 species पता होगी। जैसे जैसे इवोल्यूशन करते गए, जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए, उनको अलग अलग स्पीसीज मिलती गई और उसको जब ऐड करवाते गए, अब की कंडीशन में ऐसा हुआ है कि हमारे पास जो नोन डिफरेंट स्पीसीज है वो है 1.7 to 1.8 million। ओके, नाउ एज स्टेटेड अर्लियर, there are million of plants and animal in the world. We know the plant and animal in our own area by their local names. Local name को हम लोग क्या बोलते हैं? Vernacular name. जैसे हम लोग जैसे मैंने example में हर बार example लेती हूँ आलू का, है ना, शकरकंद का, तो sweet potato जिसको बोलते हैं, या normal potato.
तो आलू हम बोलते हैं जिसको, बटाटा बटाका, जहां जिस रीजन में जाओगे उस हिसाब से आलू का नाम चेंज होता है। जिस रीजन में जाओगे आप लोग शकरकंद का नाम, मतलब जो शकरकंद मतलब स्वीट पोटेटो है ना, वो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मीठा आलू जिसको बोला जाता है। तो जैसे जैसे एरिया में जाओगे उस हिसाब से वो पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल को कुछ अलग नाम से बताया जाएगा, बोला जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका उस रीजन का कॉमन नेम और वर्नेक्युलर नेम जो हर रीजन में चेंज होगा। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर मुझे जो शकरकंद है वही पता है और कोई मुझे बताएगा कि मुझे मीठा आलू खाना है, दूसरा कोई आके, तो मुझे नहीं पता चलेगा मीठा आलू, अगर मुझे पता ही नहीं मीठा आलू शकरकंद को बोला जाता है, तो ये क्या करेगा? ये एक मतलब बोल सकते हैं हम लोग की कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है वर्नेक्युलर नेम। दिस लोकल नेम वुड वेरी वेरी मतलब चेंज होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे लोकल नेम चेंज हो जाएगा। इवन विद इन अ कंट्री प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अगर हर एक रीजन में नाम चेंज होगा तो यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक नाम मिलना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ पोटेटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है तो वही होगा। आई बात समझ में? सेकेरम, ये अगर आप लोग शुगर केन को बोलोगे तो सेकेरम, ये हर जगह पे सेकेरम ही होगा। मतलब बोलने का मतलब है कि एक स्पेसिस को उसका एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उसी साइंटिफिक नेम से उस स्पेसिस को जाना जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, नामकरण विधि, नाम देना। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। सो बिफोर नोमेनक्लेचर प्लांट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस जो आएगा क्लासिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, वी कैन गिव सम स्पेसिफिक नेम एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज नोमेनक्लेचर। क्लियर? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। This is acceptable to biologists all over the world. For plant scientific names based on agreed principle and criteria which are provided an international code for botanical nomenclature. Most important, plant species को अगर नाम देना है तो कौन सा organization काम करेगा? मैंने आपको बोला भी था ICBN. ICBN. What is the full form of ICBN? What is the full form of ICBN? International Code for Botanical Nomenclature. अब देखो इसी के अंदर ना ICBN, full form of ICBN ऐसा question पूछा जाता है और एकदम minor minor से change होते हैं और ABCD करके दे दिए जाते हैं। International Code for Botany Nomenclature, Botanical Nomenclature, Botany Nomenclature, International Code for Botanical मतलब नोमेनक्लेचर की जगह पे एन से कुछ अलग डाल दिया जाएगा। मेरी बात समझो, तो इसको ना आपको कंफर्म करके, आई से इंटरनेशनल ही है, सी से कोड ही है, कोड है, सेंटर वेंटर नहीं है, कोड है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऐसा दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सी से कोड है, बी से क्या है, बी से बॉटनिकल ही है, बॉटनी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, बॉटनिकल ही है, और एन से है नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। The scientific names ensure that each organism has only one name
description of any organism should enable the people in any part of world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any known organism. बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म. ओके, हर जगह पे अब हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम से ही क्या करेंगे. ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, है ना. जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सोलेनम, ट्यूबरोसम. सोलेनम पहला वर्ड है. सो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम. तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा, जेनेरिक नेम हो जाएगा. जेनेरिक नेम ये फर्स्ट वर्ड हो जाएगा. एंड जो सेकेंड वर्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. एक scientific name को दो part में divide किया गया है. पहला part हो जाएगा genus और दूसरा part species. So generic name first and specific name second. This naming system given by carelessness. कौन से scientist ने दिया हुआ है ये भी important है. कौन से scientist ने ये binomial nomenclature को दिया हुआ है. This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature. This naming system given by Carlos Linnaeus. कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पे, Carlos Linnaeus. याद रखना, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two word format was found convenient. Let us take example of mango to understand the way of providing the scientific names better. Scientific name of mango is written as Mangifera indica. मेरी बात सुनो, ये जो दिया हुआ है Mangifera indica, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं की गई है क्योंकि इसको टाइप ही किया गया है यहाँ पे लेटिन के अंदर. तो देखो, let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represent genus. जो first part है ये क्या हो जाएगा, genus. While indica is a particular species, indica ये species है, genus Mangifera है, और a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follow. अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ दो part में divide कर दिया और आपने नामकरण दे दिया. Mangifera indica, Mangifera genus, indica species. Now, बाकी के rules भी इसके हम लोग देख लेते हैं. Biological names. Biological names are generally in Latin and written in italics. अगर लिखना है, okay? अगर लिखना है आपको, biological names are generally in Latin. मतलब कौन सी भाषा में होगा, Latin भाषा में होगा. और अगर आपको लिखना है या टाइप करना है तो आप कौन से वर्ड में टाइप करोगे, इटैलिक. They are Latinized from Latin irrespective of their origin. अगर आप लोग टाइपिंग इटैलिक नहीं करते हो और आप हैंड रिटन लिखते हो, इसको अगर हम मुझे लिखना है Mangifera indica तो मैं थोड़ी ना टाइप करूंगी, मैं हैंड रिटन लिख रही हूँ, है ना, से लिख रही हूँ. तो मुझे कंपलसरी जीनस के नीचे एक अंडरलाइन करना पड़ेगा, स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा. मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि एक ही अंडरलाइन में, ऐसा एक ही अंडरलाइन में मैंने ऐसे कंप्लीट कर लिया ये वाला, ऐसे भी नहीं चलता है. कैसे करना पड़ेगा हमको, हमें करना पड़ेगा Mangifera को अंडरलाइन और इंडिका को अलग से अंडरलाइन. आई बात समझ में. नाउ द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस. पहला वर्ड जो होगा वो किसके लिए होगा, जीनस के लिए होगा. While the second component denote the specific epithet, both the words in a biological name when written are separately underlined. अभी मैंने बताया separately underlined और printed in italics to indicate their Latin origin. Next,
द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. देखा था आप लोग ने मैंगीफेरा में जो एम था वो कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर. वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकेंड वर्ड था इंडिका, उसमें आई स्मॉल लेटर से था. सो स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. इट कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. एम कैपिटल है, आई स्मॉल है. ओके, नेम ऑफ द ऑथर. हम लोग ने ये भी बात, इसको ना ये जो प्रोसेस होती है ना जहां पे लिनस ने सपोज कोई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया, स्पीसीज आइडेंटिफाई करने का काम लिनस ने किया है. तो अगर मुझे लिनस का नाम लिखना है तो मैं साइंटिफिक नेम में कहां लिख सकती हूँ? तो नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पीसीज नेम. नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पीसीज नेम. स्पीसीज कौन सा है? सपोज मैंगीफेरा इंडिका. इंडिका के पीछे मुझे ऑथर का नाम लिखना पड़ेगा फिर. So this process is known as citation. C-I-T-A-T-I-O-N. Citation. Name of author after species name. This process is known as citation. So देखो, name of author appear after the specific epithet, मतलब species, at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. That is Mangifera indica. पूरा Linus नहीं लिखोगे. L-I-N-N. और यहाँ पे उसको italic name नहीं, normal जो हम लोग यूज करते हैं वही वर्ड में यूज किया जाएगा. ओके, सो नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पीसीज नेम, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिटेशन. भले यहाँ पे ना हो, आपको याद रखना है मैंने क्या लिखवाया है. ये प्रोसेस का नाम सिटेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिटेशन. ओके, सो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस. ओके, पहले सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था ये स्पीसीज को? लिनस ने, ऐसे बताया जाएगा. सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. बिना क्लासिफिकेशन का इतना 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को आप कैसे कैटेगराइज करोगे? तो ये करने के लिए हम लोग को किसका यूज लेना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना पड़ेगा. सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग कैट और इंसेक्ट. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म we associate certain character with the organism in that group. What image दिमाग में क्या आ रहा है वो मुझे बताओ. चलो, obviously each one of us will see dogs and not cats. जब dog को सोचो आएगा ना दिमाग में, cat नहीं आएगी. Now if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to see ear and body hair. मतलब कहने का मतलब बताऊं मैं, सिंपल सा. जब आप डॉग को बोला जाता है ना, जब आप लोग को बोला जाएगा कि आप डॉग को सोचो, तो आप कुत्ते को ही सोचोगे, उसके कैरेक्टर देखोगे. अगर आप लोग को बोला गया है अरे भाई आपको मैमल में सब कुछ आएगा, अभी मैमल के अंदर लेपर्ड आ सकता है, मैमल में लायन आ सकता है, मैमल में डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है, ह्यूमन आ सकते हैं, चिंपैंजी आ सकता है, गिबन्स आ सकते हैं. अब ये जितने एनिमल आप मैंने अभी आपको बोले वो सारे आप लोग एक एक करके याद करना स्टार्ट करोगे मैमल के अंदर. तो ये क्या बता रहा है? लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीड, वीड मतलब गेहूं को आप लोग पिक्चराइज करो माइंड में. तो आप जब गेहूं को पिक्चराइज करोगे तो आप राइस थोड़ी ना सोचोगे, आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचोगे? आप सिर्फ और सिर्फ वीड के बारे में सोचोगे. बात समझ में आ रही है? When likewise in plant, if we try to talk of wheat, rice, plant, animals are convenient category. The scientific term for this category is taxa. Scientific word, जो category के अंदर हम लोग classify करेंगे ना इसको, इसको हम लोग बोलेंगे taxa. Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level. A taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animal, mammal, dog are also taxa. पर कौन सी लेवल में है ये taxa?
मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगा, स्पीसीज में आएगा, जीनस में आएगा, किसके अंदर आएगा, ओके उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, तो देखो टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर क्या क्या आएगा इंपॉर्टेंटली, ओके. हेंस कैरेक्टराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लोग याद करो उसका आपको कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, ओके. कैरेक्टर को देखने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई कर दिया है. सो सेकेंड में आप लोग हो गए कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर डैश, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर डैश, यहाँ क्वेश्चन बना आपको. यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे ऑड वन आउट निकालते हैं हम लोग, वैसे आप लोग निकाल सकते हो. जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, चार बेसिक है, इसमें से तीन दिए जाएंगे, एक ऑड दिया जाएगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा आपका दिमाग, और फिर ऑड वन आउट को आप लोग निकाल के बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी याद करोगे. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ साथ साथ में, आपको याद रहे इसलिए. नाउ आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ये लिख सकते हो इस हिसाब से स्टार करके कि कहाँ क्वेश्चन बन सकता है. सो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज. इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, clothing and shelter, hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. Now, human being were since long, not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. So word systematic is derived from the Latin word systema. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बना आपका, यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है जहां आप लोग स्टार कर सकते हो. Okay, so word systematics, ये कहां से derived हुआ है? It is derived from the systema. Systema ये एक Latin word है. उसका meaning क्या हो जाएगा? Systematic arrangement of organism. Systematic उनके characterization करने के बाद, उनको identify करने के बाद एक systematic way से हम लोग उसको classify करेंगे. So systematic arrangement of organism, ये कौन represent करता है? Systema. Linus used सिस्टेमा नेचुरी, ये तीसरा आप लोग का हो गया. थर्ड क्वेश्चन बनता है, लिनस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उसके बुक का जो पब्लिकेशन हुआ है उसका नाम दिया है उसने सिस्टेमा नेचुरी. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. Systema naturae. Clear? तो
एनसीईआरटी समझ में आ रही है सबको? एनसीईआरटी रीड कर पा रहे हो ना सब लोग? ओके चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ओके तो देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसमें हम लोग स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फाइलम, किंगडम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट समझते हुए जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है सबसे पहली चीज। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हायरार्की मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category and all category together constitute taxonomic hierarchy. Just आप लोग के लिए मैं बता दूं कि taxonomic category क्या क्या कौन कौन सी आती है। तो species से लेके genus, family, order, class, division, phylum, kingdom ये जब आप पढ़ोगे एक साथ तो इसको बोला जाता है एक एक को बोला जाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना। और फिर वो बनाएगा हायरार्की टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट रिफर टू एज अ सो ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम बोलेंगे टैक्सोन। सो ये यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया। टैक्सोन क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन मिलता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। जहां जहां पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आप वहां पे टिक मार्क करके बता दे रही हूँ। ओके नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। Insect represents a group of organism shared which can be classified and thus were given a rank or category. अब देखो insect को हम लोग ने कैसे identify किया? इनका कहने का मतलब है जब आप लोग बोलते हैं तो उसको categorize करने के लिए आप अपने दिमाग में क्या रखते हो कि insect के पास जितने insect है उनके पास jointed legs present होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो jointed होते हैं। और ये एक कैरेक्टर को क्लासिफाई करके हमने इंसेक्ट ऐसा उसका एक क्या बना दिया? यूनिट बना दिया। ओके सो कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ग्रुप से एक ग्रुप से एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से क्या बनेगी? एक कैटेगरी बनेगी। जब कैटेगरी एक साथ आएगी तो वो रैंक बनाएगी। Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. So, अगर आपको पूछा जाता है what is the unit of classification, तो आप नाम दोगे each rank or taxon unit of classification। ये आपको यहाँ पे star करना है आपके NCERT में से। ये आपका next question बन गया यहाँ पे what is the unit of classification। ऐसा अगर आपके सामने question आता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में टैक्सोन भी हो सकता है या रैंक हो सकता है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मियरली मतलब
मियरली मतलब एक जैसा थोड़ा बहुत, है ना। मियरली मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं वैसा कैरेक्टर। टेक ये कैटेगरीज के नाम आ गए अभी। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा बन रहा है क्वेश्चन वो है यहां से यहां तक, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फाइलम ये एनिमल के लिए यूज होगा, एंड जो डिवीजन होता है वो प्लांट के लिए। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है। सबसे लो कैटेगरी में कोई आएगा जिसके पास सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। तो यहाँ पे हमारा किंगडम से स्पीसीज, किंगडम ये सबसे हाइएस्ट रैंक में आता है। हाइएस्ट रैंक अगर होगा तो कौन सा है, हाईएस्ट रैंक किंगडम हो जाएगा, एंड लोएस्ट रैंक कौन सा हो जाएगा, लो लोएस्ट टैक्सोन और रैंक ये हो जाएगा स्पीसीज। सो स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, ये बात समझ में आ गई आप लोग को। ओके अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इनका मतलब क्या है और ये क्या क्या आप लोग को बताता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई अगर करना है आपको, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को आप लोग क्लासिफाई करने के लिए ले रहे हो वो उसके अंदर क्या कॉमन कैरेक्टर हो सकते हैं और उसके मेन कैरेक्टर क्या होंगे। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है किसके अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर। तो आपको मैंने सबसे पहले तो टेक्सोनॉमी का जो अभी ये स्टार्ट होगा स्पीसीज से लेके किंग तक का, ओके जहां तक हम लोग का टाइमिंग है तब तक जितना कम्प्लीट होता है हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले जितने भी जहां पे भी मैंने अंडरलाइन करवाया है आपको वहां वहां पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो मेरे साथ साथ आपको एक चीज क्या करनी है, मेरे साथ साथ आपको आपके एनसीईआरटी का जो वो लाइन है जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको याद रखना है, अंडरलाइन करके आप लोग को भी रीड करते जाना है, वो क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी का जो आएगा वो होगा स्पीसीज। सो टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस हिसाब से बन रहा है कि स्पीसीज के अंदर क्या आ सकता है, जो भी स्पीसीज होगा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, उसकी सिमिलैरिटी। जैसे मैंगो एक स्पीसीज है तो सारे मैंगो एक जैसे ही दिखेंगे ना, कि अभी कभी ऐसे किए हो कि मैंगो और एप्पल को तुम लोग ने एक ही स्पीसीज बोल दिया है, नहीं बोलोगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि मैंगो मतलब क्या, हाँ उसका कलर ऐसे येलो कलर का मैंगो होना चाहिए, पल्प होना चाहिए उसमें, गुठली निकलनी चाहिए उसमें, बहुत टेस्टी होना मतलब सबसे अच्छा होना चाहिए, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो इस हिसाब से आपको उसके सारे कैरेक्टर मैंगो को सोच के मैंगो ही याद आएगा। तो मैंगो ये एक कॉमन कैरेक्टर जिसके अंदर होंगे सारे के सारे फ्रूट, आपके सामने बहुत सारे रखे हुए हैं तो आप किसी को भी ऐसे थोड़ी बोलोगे हर एक कोई मैंगो को कि ये एप्पल है, मैंगो को आप मैंगो ही बोलोगे क्योंकि आपको उसके कैरेक्टर पता है। तो क्या देगा वो, सिमिलैरिटीज देगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका।
मैंगी पैरा इंडिका ये कौन हो जाएगा? मैंगो। स्पीसीज सोलेनम ट्यूबरोसा मतलब तो, एंड तीसरा स्पीसीज पेंथेरा लियो मतलब लायन। देखो अभी आपके सामने तीन तीन स्पीसीज के नाम रखे हुए हैं। एक है मैंगी पैरा इंडिका, इसके साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं अगर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं तो आपको पूछे जा सकते हैं। मैंगी पैरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगी पैरा इंडिका मैंगो। सोलेनम ट्यूबरोसम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेटो, एंड पेंथेरा लियो इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। सो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो। मैंगी फेरा इंडिका का इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, पेंथेरा लियो में लियो। ये जो तीन वर्ड है ये क्या हो जाएगा? दैट विल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। जबकि जो पहला वर्ड है मैंगी फेरा सोलेनम एंड पैंथेरा, ये जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जिनेरा, व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगी फेरा सोलेनम एंड पैंथेरा आर जिनेरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता है? स्पीसीज। और सेकंड कैटेगरी में कौन आता है? जीनस। सो ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और बताती पैंथेरा लियो देखा था हमने, पैंथेरा लियो इसे पहले देखा, देखो आप लोग पैंथेरा लियो लायन को बोला था। पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर। पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर। एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक सोलेनम ट्यूबरोसम था ना, वैसे ही सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलोंगेना। तो सोलेनम ये जीनस के अंदर, सोलेनम ये जीनस के अंदर आप लोग को कितने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिले? सोलेनम में आपको सोलेनम ट्यूबरोसम मिल सकता है जो पोटेटो है, सोलेनम निग्रम फ्लावर, तीसरा आप लोग को सोलेनम मेलोंगेना ये तीसरा स्पीसीज मिल। वैसे ही पेंथेरा लियो मतलब लायन, पेंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। तो एक ही सिमिलर कैरेक्टराइजेशन वाले स्पीसीज को हम कैटेगराइज करेंगे जीनस के अंदर। ओके, नाउ ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस। आई बात समझ में? अब आएगा जीनस, तो हम लोग सेम कैटेगरी सेम कैरेक्टराइजेशन वाले स्पीसीज को किसके अंदर डालेंगे? सेम कैटेगरीज के स्पीसीज को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसको कौन से ग्रुप में डालेंगे? जीनस के अंदर। तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब यहाँ पे हमारा एक और बन सकता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। जीनस ये किसका ग्रुप है? रिलेटेड स्पीसीज, सेम स्पीसीज का जो एक ग्रुप बनेगा उसको हम डालेंगे जीनस। Which has more character in common in comparison to species to other genera, we can say that genera are aggregates of closely related species. यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बना, genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal. ये सेम एग्जाम्पल बोर्ड वालों ने भी दिया हुआ है। पोटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। सोलेनम के अंदर ही आएगा पोटेटो भी एंड ब्रिंजल भी। लायन एंड लेपर्ड, लायन क्या है? पेंथेरा लियो,
पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पेरिडस लेपर्ड, तो एंड पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर। पैंथेरा जीनस हो गया, लियो पेरिडस एंड टाइग्रिस, ये तीन डिफरेंट स्पीसीज हुई विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। ये पैंथेरा के अंदर के है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। ओके, फेलिस, तो फेलिस ये जीनस का नाम है जिसके अंदर कैट आती है। ओके, वागाची मौशी बिल्ली। ओके, तो यहाँ पे जीनस के अंदर क्या, ये कितने सारे यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस मिले हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो एक एक को आप लोग अच्छे से समझो और फिर उसको आइडेंटिफाई करते जाओ, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको याद भी करते जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, आपको याद हो गया जीनस में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए, राइट। अब तीसरा देखो आप, फैमिली। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसके बाद आएगा ना, एकदम जंप नहीं कर सकता है ना, इसके बाद एक एक करके पढ़ाएंगे हम। सो फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तीसरा क्वेश्चन आया हमारा यहाँ पे, अगर ऐसा बोला जाता है आपके सामने क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, ऐसे नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फैमिली को आपको आइडेंटिफाई करना है या फैमिली ये टेक्सोन को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप किसके बेसिस पे फैमिली बनाओगे। तो देखो यहाँ पे, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका क्वेश्चन बन गया यहां से यहां तक। फिर आपको नीचे क्या दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली जो इन प्लांट, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं इन प्लांट, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, ऐसे करके आपका क्वेश्चन हो गया। वेजिटेटिव फीचर मतलब उनका जो लीफ है, उनका जो फ्लावर है, स्टेम है, हाइट है, ये सब किस में आ गया, वेजिटेटिव फीचर। रिप्रोडक्टिव फीचर मतलब फ्लावर एंड फ्रूट, ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों फ्लावर फ्रूट सीड, ये सारी बात जब आएगी तो वो आएगा रिप्रोडक्टिव फीचर में। वेजिटेटिव फीचर में उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर आएंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आएंगे, उसका लीफ कैसा दिखता है, उसका स्टेम कैसा दिखता है, उसका हाइट कैसा है प्लांट का, ये सब किस में आएगा, मॉर्फोलॉजिकल मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में, और रिप्रोडक्टिव फीचर में फ्लावर एंड फ्रूट आएगा, है ना। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जिनेरा, कौन से तीन जिनेरा दिए हुए, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतुरा। सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतुरा, अब इनके मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सेम होंगे, तो उसके बेसिस पे उनको कौन सी फैमिली में डाला गया है, सोलानेसी। तो सोलानेसी फैमिली के कौन कौन से जीनस आ सकते हैं, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखो आप लोग, आप इतने क्वेश्चन को भी बनाते जाओगे ना आपकी नोटबुक के अंदर, तो भी आपका अच्छा खासा एक आप खुद का एक मटेरियल बनता है क्वेश्चन का। ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करते जाओगे तो आप लोग का बड़ा फायदा है कि सोलानेसी फैमिली के अंदर के आप लोग को फैमिली सोलानेसी कंटेन डैश, फिर आप लोग को ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, और फिर उसमें जो तीन तीन यहाँ पे है ना, सोलेनम है, पेट्यूनिया है, धतुरा है, ये एक राइट ऑप्शन होगा, बाकी के तीन ऑप्शन आप लोग को गलत दिए जाएंगे। क्वेश्चन यही पे है, आपके एनसीईआरटी में ही है, बस आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन से बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। सब कुछ एनसीईआरटी में है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है।
ओके, तो एक टीचर आपको हेल्प कर सकता है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दे यहाँ पे। तो उसी हिसाब से मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो सोलानेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा, राइट। अमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बना। पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस। अब फेलिस कौन सा जीनस था, फेलिस के अंदर कौन था, कैट थी, है ना। तो देखो कैट ये अलग जीनस की है, फेलिस जीनस अलग है, पैंथेरा जीनस अलग है, बट पैंथेरा एंड फेलिस के कुछ कैटेगरी मतलब जो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर होंगे उनके वो कुछ सेम होंगे, तो उनको कौन सी फैमिली में डाल दिया गया है, फेलिडी, कौन सी फैमिली में डाल दिया जाएगा, फेलिडी। सो फेलिडी के अंदर क्या क्या आएगा आपका, पैंथेरा एंड फेलिस। Similarly, if you observe the feature of a cat and dog, you will find some similarity and some difference as well. They are separated into two different family, Felidae and Canidae respectively. तो आप लोग को family अगर बनाना है या family form करना है तो family वो same होंगे, उनको consider किया जाएगा। Is it clear to all of you? तो family तक का हम लोग NCERT के अंदर रखते हैं, बाकी का पॉइंट जो है वो हम लोग फैमिली के बाद वाला हम कल पढ़ेंगे। बट आपको अंडरलाइन करते जाना है एनसीईआरटी, जितना अंडरलाइन करोगे, जितना समझोगे, जितने क्वेश्चंस आप खुद बनाओगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे से इसको रीड कर पाओगे और खुद क्वेश्चन बनाओगे ना तो आइडिया आता जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ईजी है नीट को क्रैक करना अगर एक बार एनसीईआरटी समझ लिया तो। ओके बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं हम लोग। Okay.